अगली खबर में बात करते हैं भिंड की, जहां इन दिनों सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में जिले के हर अफसरों को एक स्कूल पहुंचकर छात्रों की समस्या सुनने व उनका समाधान किए जाने के बारे में निर्देश दिए गए। कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार सेवा पखवाड़ा के दौरान शासकीय सीनियर उत्कृष्ट बालक शिक्षा केंद्र पहुंचे और छात्रों से चर्चा की। कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने छात्रों से कविता सुनी, छात्रों से पूछा किसी को कोई समस्या हो तो अभी बताएं। उन्होंने छात्रों को मोबाइल नंबर भी दिया। ये दृश्य था शासकीय सीनियर उत्कृष्ट बालक शिक्षा केंद्र के छात्रावास का। कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार ने छात्रों से भोजन व्यवस्था, खेल कूद, शिक्षा के संबंध में भी जानकारी ली। भिंड में इन दिनों सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में जिले के हर अफसरों को एक स्कूल पहुंचकर छात्रों की समस्या सुनने व उनका समाधान किए जाने के बारे में निर्देश दिए गए। कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार सेवा पखवाड़ा के दौरान शासकीय सीनियर उत्कृष्ट बालक शिक्षा केंद्र पहुंचे और छात्रों से चर्चा की। कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने छात्रों से कविता सुनी, छात्रों से पूछा किसी को कोई समस्या हो तो अभी बताएं। उन्होंने छात्रों से चर्चा करते हुए पूछा कि उन्हें किसी प्रकार की समस्या तो नहीं, तथा छात्रावास अधीक्षक एवं अन्य लोगों का व्यवहार कैसा है। उन्होंने छात्रों से कहा है कि अपने परिवेश को साफ व स्वच्छ रखें तथा बदलते समय के साथ तकनीक का संयमित उपयोग करें, जिससे आपको अच्छी शिक्षा मिले और कुछ नया सीख पाएं। कलेक्टर ने छात्रों से कहा कि कोई भी बात अभिभावक व शिक्षकों से ना छुपाएं तथा किसी के व्यवहार व आचरण से कोई परेशानी हो तो मुझे स्वयं एवं छात्रावास अधीक्षक को तत्काल अवगत कराएं। उन्होंने छात्रों को जीवन में कुछ बेहतर करने की दिशा में अग्रसर होने के मूल मंत्र दिए। साथ ही छात्रों से उनकी रुचि के बारे में पूछते हुए कहा कि आपको आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, डरना बिल्कुल नहीं है। इस दौरान जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग संजय गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।